लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत किया गया रूट डायवर्जन 14 नवंबर सुबह 8 बजे से 15 नवंबर को मूर्ति विसर्जन की समाप्ति तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित। आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी किए जाएंगे डायवर्ट। मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर निगम की ओर से राजघाट के एकला के पास 3 कृत्रिम तालाबों का कराया गया निर्माण। पंडालों में स्थापित की गई लक्ष्मी प्रतिमाओं का किया जाएगा विसर्जन। बाल दिवस के अवसर पर खत्री महिला कल्याण समिति द्वारा शहर के एक निजी प्रतिष्ठान में बच्चों के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार को लगाया जनता दरबार। 200 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, सबकी समस्या का समाधान करना शासन की है पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल दिवस के अवसर पर ताइक्वांडो के बच्चों से गोरखनाथ मंदिर में की मुलाकात। बच्चों ने मुख्यमंत्री को दिया गुलाब, करवाया ग्रुप फोटो। जिला कारागार में बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे ने बच्चों में वितरित किया टॉफी, बिस्कुट व चॉकलेट। सभी बच्चे के खिले चेहरे। जनपद में छठ पर्व को देखते हुए व्यापारियों द्वारा सुपैली की जा रही है बिक्री। लोग कर रहे हैं खरीदारी। नवीन महवा मंडी में छठ पर्व को देखते हुए भीड़ भाड़ होना हुआ शुरू। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की जमकर हो रही है बिक्री। मंडी सचिव ने लोगों से की अपील, सड़कों पर ना खड़े करें वाहन। जनपद में बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए की गोवर्धन पूजा। भाइयों के जीवन में सुख समृद्धि व उन्नत जीवन की मांगी मन्नत। बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार चौराहे पर स्थित एक मकान के अंदर गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका।